हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी रिजल्ट को लेकर। ठीक है, तो गाइज देखिए, बहुत से कमेंट आ रहे हैं, देखिए वीडियो अपलोड नहीं करते हम क्यों, उसके पीछे कारण देखिए, ऑलरेडी लगभग 5-6 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और आपको जानकारी दे रहे हैं, इसके पीछे रीजन था ना अपलोड करने का, तबीयत स्वास्थ्य हमारा जो है ठीक नहीं है। ठीक है, 5 अक्टूबर को वहां से लखनऊ से आने के बाद अचानक सी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, जो मेरा ब्लड प्लेटलेट्स है, देखिए अभी वॉइस भी उतनी क्लियर नहीं निकल पा रही है ना, सही तरीके से निकल पा रही थी। जो ब्लड प्लेटलेट्स है ये थोड़ा डाउन हो गया था, थोड़ा क्या 1 लाख, अभी तो 70,000 है, 1 लाख से नीचे आ गया था, 80-90, तो अभी 70,000 है, कुछ रिलैक्स है। तो आपके लगातार कमेंट आ रहे थे जिसके कारण वीडियो अपलोड करना पड़ा और आपको जानकारी देना पड़ गया। ठीक है, उसके पीछे भी कारण है, किस लिए जानकारी दे रहे हैं वो भी सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 17 अक्टूबर हम बात करेंगे, पहले आखिर रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, ये बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं 17 अक्टूबर की क्या अपडेट थी। देखिए गाइज, एनएचएम और जो भी है ब्रिजेश पाठक सर के आवास पे 2 लोगों को हमने भेजा था 17 तारीख को। ठीक है, हालांकि ब्रिजेश पाठक सर से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके असिस्टेंट के रूप में जो थे, उनसे सारी बातें बताई गई, उनसे बताया गया। तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि देखिए भैया, अगर आपका रिजल्ट के लिए कुछ कर सकते हैं तो पाठक सर ही कर सकते हैं। आप लोग 20-25 लोग, आपको वॉइस आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि रोड के बगल में रहते हैं तो वॉइस थोड़ा आपको सुनाई दे रहा होगा। तो देखिए, उन्होंने बताया कि 20-25 लोग आइए, ठीक है, मंडे के दिन, क्योंकि मंडे के दिन ज़्यादा समय देते हैं पाठक सर। आप लोग 20-25 लोग आइए, अगर पाठक सर से मुलाकात हो जाती है, पाठक सर से ने आपकी समस्याएं सुन ली और उन्होंने एनएचएम ऑफिस में कॉल कर दिया, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। ठीक है, रिजल्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा। तो क्योंकि देखिए, इसके पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने ही बताया, इसके पहले सीएचओ की वैकेंसी जो निकल के आई थी, उनका भी ऐसा ही समस्या मुद्दा था। तो उन्होंने कई बार एनएचएम ऑफिस, फिर सीएमजी को ज्ञापन, ये सभी चीज़ें उन्होंने किया, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। फाइनली उन्होंने पाठक सर से समस्याएँ, 15-20 लोग ही गए थे, ठीक है, मैं तो 20-25 बोला हूँ, 15-20 लोग ही पहुँचे थे, और उन्होंने वहाँ पर जाके पूरी समस्याएँ रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, बताया। तो वहीं पे डायरेक्ट उन्हीं के सामने पाठक सर ने एनएचएम ऑफिस में कॉल किया और उन्हीं को तुरंत बता दिया कि भैया इतने डेट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आया, जितना डेट बताया था उतने ही समय में उन्होंने रिजल्ट दे दिया। देखिए, एनएचएम ऑफिस में हमको झूठा आश्वासन दे दिया जाएगा, आप सभी को झूठा आश्वासन दे दिया जाएगा, लेकिन पाठक सर को झूठा आश्वासन नहीं दिया जाएगा, उनसे जो भी चीज़ें रहेगी क्लियर बताया जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं एक बार फिर से ब्रिजेश पाठक सर से मुलाकात करना है। कब करना है भैया? 23 अक्टूबर दिन सोमवार को। देखिए गाइस, तब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम भी आने की कोशिश करेंगे, अगर हम नहीं पहुंचते हैं फिर भी मेरे जैसा आपको लीड करने वाले रहेंगे, गाइड करने वाले रहेंगे, वो चीज़ें सब चीज़ आपको बता दिया जाएगा, उनका नंबर भी दे दिया जाएगा, ग्रुप में वो हैं, वो सब चीज़ देख लेंगे। बाकी कोशिश यही रहेगी कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए ताकि हम पहुँचें, क्योंकि देखिए मेरा तबीयत तो 1 तारीख से ही ख़राब था, वो पहले भी मैं वीडियो में बताया था, लखनऊ जाने के बाद फिर आने के बाद और भी ज़्यादा दिक्कतें हो गई, इसलिए थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। फिलहाल देखते हैं 23 अक्टूबर, लेकिन हम पहुँचे या ना पहुँचे, आप लोगों को बहुत ज़रूरी है पहुँचना गाइज, ज़्यादा लोग नहीं, 23 से आपको 30-40 लोग भी पहुँच जाएंगे पाठक सर के पास, तो भी समझिए काम हो गया। ठीक है, मंडे के दिन 10 बजे तक वो टाइम देते हैं, वो विधवा टाइम देते हैं, ठीक है, मंडे का उनका समय दिन ही है कि समस्याएं लोगों की सुनते हैं मंडे के दिन। तो मंडे के दिन आप लोग 23 अक्टूबर को पहुँचेगा। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मंडे को छुट्टी है, ठीक है, मंडे को फलाना है दिखाना है, तो छुट्टी के दिन आवास नहीं बंद होता है, आवास उनका हमेशा चालू रहता है, सुनते हैं, ठीक है। और अब देखिए गाइज, आया प्रयास करना है, हम ही सभी को करना है, हमारे और आपके ही प्रयास से रिजल्ट आ सकता है। देखिए, वो तो सभी को पता है, रिजल्ट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सालों साल बाद आएगा, लेकिन आएगा, सभी को पता है वैकेंसी नहीं कैंसिल होने वाली, ये तो क्लियर बात है। लेकिन गाइज, हमारा ये प्रयास है कि चुनाव से पहले हमारी ज्वाइनिंग हो जाए यार, चुनाव से पहले, ऑलरेडी 1 साल निकल गया है, और भी अगर चुनाव तक खींच के ले जाते हैं आचार संहिता में चीज़ें, फिर 2024-25 पहुँचेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि चुनाव आचार संहिता से पहले हमारी वैकेंसी क्लियर हो जाए, ठीक है, इसलिए प्रयास कंटिन्यू करना है हम सभी को। और गाइज, आप सभी लोग जानते हैं कि देखिएगा, जब जब हमने कोशिश किया है, प्रयास किया है रिजल्ट को लेकर, ठीक है,
हमको कुछ ना कुछ अपडेट मिला है। हालांकि हमारी 17,000 प्लस वैकेंसी पे नहीं, लेकिन और भी भर्तियां पे काम किया गया है। जो डिले हो रही थी हमारे प्रयास की वजह से उन पे काम किया गया और उनका रिजल्ट भी आया। जैसे आप सभी लोग जानते हैं 5 अक्टूबर को दिन जो भी हमारा प्रयास था उसके बाद से हमको नोटिस लगातार देखने को मिला। 3 दिन भैया 3 दिन, 5 के बाद 8 तारीख तक हमको निचप पे नोटिस ही नोटिस दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ऐसा ही लग रहा था कि अब हमारा भी रिजल्ट आ जाएगा। और इसके पहले 28 अगस्त को जब प्रयास किया गया था तब मैं आपको बता दूं 3 दिन 4 दिन तक लगातार नोटिस आई थी। 4 दिन तक निचप पे कुछ ना कुछ नोटिस वो डालते रहते थे ताकि लड़कों के लगे कि हाँ चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो अभी देखिए अभी कितना दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया। एनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सूखा सूखा दिखाई देगा, वही पुरानी नोटिस दिखाई देगी। तो हम जब जब प्रयास किए हैं तब तब हमको कुछ ना कुछ हमारे प्रयास की वजह से अन्य भर्तियों का रिजल्ट आया है। इस चीज को आप नोटिस करिएगा। तो इस बार भी प्रयास रहेगा, हो सकता है ये लास्ट प्रयास रहे हमारा और इसी प्रयास में हमको सफलता भी मिल जाए। तो इस बार रिक्वेस्ट करना है पाठक सर से, कोशिश यही करना है कि पाठक सर से अनुरोध करना है कि सर आप बात करिए अपने स्तर से एनएचएम ऑफिस में और हमको आप ही बताइए कि रिजल्ट कब आएगा। आप ही हमको जो बता देंगे वही चीज़ हम मान लेंगे। ठीक है, यही रिक्वेस्ट करना है पाठक सर से 23 तारीख को सोमवार के दिन। ठीक है, और गाइज इसमें से कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर मैं क्यों जाऊं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, 50 नंबर है या 40 नंबर है या 60 नंबर है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइज, सिलेक्शन जो अपनी ईमानदारी से अपने मार्क पे भरोसा कर रहा है कि मेरा इतने में हो जाएगा, पेपर का लेवल के हिसाब से उसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 40 नंबर ही क्यों ना हो, उसको लग रहा है कि मैंने मेहनत करके पढ़ाई करके पेपर दिया है और मुझे कॉन्फिडेंस है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसका हो के ही रहेगा। देखिए गाइज ऑलरेडी 10 महीने लेट हो गए हैं, 10 महीने लेट होने की वजह से 10 क्या 1 साल निकल गया है मान के चलिए। तो इसके लेट होने की वजह से डीवी में बहुत सारे लोग लेफ्ट करेंगे। ठीक है, डीवी ही नहीं कराने जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया 3-4 वैकेंसी बड़ी वैकेंसी क्लियर हुई है, चाहे वो स्टाफ नर्स की हो चाहे फार्मासिस्ट की हो, 3-4 वैकेंसी आपको क्लियर देखने को मिली है जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, तो उनके कारण भी बहुत से इफेक्ट पड़ने वाला। जो टैलेंटेड है भैया वो एम्स में सेलेक्ट हो गया, मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था आपने देखा भी होगा। ठीक है, एम्स पटना में सेलेक्ट हुए थे, वो एनएचएम का डाले, उनका भी 61 नंबर है। तो ऐसे ऐसे लोग जो टैलेंटेड है हाईएस्ट मार्क ला रहे हैं ऑलरेडी सेलेक्ट होते जा रहे हैं, तो आपका मौका मिलेगा। अगर आपको डीवी के लिए बुला लिया गया तो आपको समझ लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। डीवी में 3 गुना बुलाएंगे तो 3 गुना बहुत होता है 51,000, तो इतना मांग चलिए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जाएं और 7 दें। ठीक है, इस बार 7 दें, फिर से अनुरोध करें 23 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज देखिए आखिर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का इसके पहले 2-3 दिन पहले मुझे कहीं से अपडेट मिला था कि विद इन 10 डेज मतलब 22, इसलिए मैंने 23 का डेट रखा है, 22 को इंतजार कर लेते हैं, आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाएंगे 23 को, अगर नहीं आता तो 23 को आप लोग पहुंचिए भैया, भारी से भारी मात्रा में पहुंचिए, यही बोलेंगे हम। 40 लोग 50 लोग जितने हो सकते हैं उतने लोग पहुंचिए, और यही सभी के लिए जरूरी जानकारी थी। हमने क्या किया आपको क्लियर किया, एक बार विजय पाठक से मुलाकात करना है, कब मुलाकात करना है 23 अक्टूबर को, किस लिए करना है, एनएचएम 17,000+ वैकेंसी रिजल्ट के लिए क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, अनुरोध करना है सर हमारा रिजल्ट डिले हो गया, पूरी समस्याएं बतानी है। ठीक है, उनको और उनसे यही करना है कि आप एनएचएम में बात करिए, हमारे सामने कॉल पर बात करिए। ठीक है, यही अनुरोध करना है। और 17 अक्टूबर की क्या अपडेट थी वो चीज़ ही मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट को लेकर आगे क्या करना है ये भी मैंने बता दिया आपको, आखिर रिजल्ट कब आएगा 22, क्योंकि 2-3 दिन पहले मुझे अपडेट मिला था यही कि विद इन 10 डेज मतलब मान के चलिए कि मुझे 13-14 को अपडेट मिला था कि विद इन 10 डेज, तो हम कर लेते हैं 22 तक इंतजार, अगर 22 तक नहीं आता है तो 23 को जो अपना है वही पे हम फोकस करेंगे। तो ये सभी के लिए जरूरी जानकारी, क्या जरूरी जानकारी थी, यही कि 23 अक्टूबर को हमको सोमवार के दिन ब्रजेश पाठक सर के पास चलना है, रिजल्ट के लिए अनुरोध करना है, फेस टू फेस बात करके 20 से 25 लोग जैसा उनके असिस्टेंट हमको बताए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस बार भी हमारा पूरा बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करेंगे और साथ आएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगा मुझे, मैं भी पहुंचूं, लेकिन तबीयत ठीक रहेगा तभी हम पहुंच पाएंगे गाइस, बाकी आप लोग जरूर पहुंचिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।